सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दो ऋषि सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऋषि वर्मा। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत अच्छे, रख रहे अपनी फैमिली का ख्याल। तो मम्मी अभी नहीं है, मम्मी आएगी कल क्योंकि मम्मी को आज था बहुत ज्यादा काम, तो बिना किसी रोक टोक के मैंने का रिएक्शन कर देते हैं यार। तो गाना आ चुका है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, मतलब किसी का भाई किसी की जान से ऐसा गाना आउट हो गया जिसके लिए हम सब बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की मूवी में एक गाना था जिसके अंदर हनी सिंह ने रैप करा था, बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे थे, मैं भी बहुत इंतजार कर रहा था। तो गाना आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सलमान खान ने भी ये गाना गाया है यार इसके अंदर। तो गाने का नाम है लेट डांस छोटू मोटू और किसी का भाई किसी की जान, सलमान खान, यो हनी सिंह, देवी श्री प्रसाद। मतलब हनी सिंह ने रैप करा है, सलमान खान और देवी श्री प्रसाद ने इसमें सिंगिंग करी है। तो देखते हैं भाई गाना कैसे होने वाला, और फीमेल वॉइस है नेहा भसीन की, तो यार मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। पहले गाना देखता हूँ फिर बताऊँ इस गाने के बारे में। उससे पहले बताता हूँ यहाँ तक आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके पैसे नहीं लगने। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो यार बहुत सारी मजेदार वीडियो आने वाली है। और अगर आप चाहते हो मैं और भी गाने के ऊपर रिएक्शन करता हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देख के मैं आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करूंगा। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। क्या बात है, एवरीबॉडी मेरे पास आओ, आई एम सो लेजी, मुझे नचाओ, बीट बजाओ, शोर मचाओ, ट्विंकल ट्विंकल मेरे साथ गाओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप 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 द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी had a great fall, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again, kotra dabbu ko two legs dance chotu motu, kya baat hai, kotra dabbu ko two legs dance chotu motu, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling, Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that the Mary went, the lamb was sure to go. Kotra dabbu ko two legs dance chotu motu. Yes, yeah, yeah. Kotra dabbu ko two legs dance chotu motu. Bhai, kya energy hai bande mein yaar, maan gaya. Singer, back in the song. So don't everybody, mere paas aao. I'm so lazy, mujhe nachao. Twinkle twinkle, mere saath aao. Main kaise nachun? You know me, tere dance moves. Just show me with the speed. I'm romancing. Yo yo honey singer, I feel like dancing. Oh ho. Johnny is papa, eating sugar no papa. बिग शाउट आउट किसी का भाई किसी की जान, बहुत ही इंटरटेनिंग एनर्जेटिक सॉन्ग। मतलब यार मान गया मैं सलमान खान को, यार सलमान खान ना एक अलग ही बंदा है, नेक्स्ट लेवल आदमी है। मतलब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सलमान खान की फिल्म में ना सलमान खान के साथ जो को एक्टर्स है, हीरोइंस है, सब सलमान खान से आधी और आधी से कम उम्र के लोग हैं, बट जो एनर्जी सलमान खान के अंदर इस गाने में दिख रही है ना, मतलब ओवरऑल मूवी में तो दिख रही है बट इस गाने में जो दिख रही है ना, सलमान खान ने सबको फेल कर दिया, सच्चाई बता रहा हूँ। और सलमान खान यार बहुत ज़्यादा मेहनती और एनर्जेटिक आदमी है भाई, मान गया मैं यार, बंदे के अंदर क्वालिटी है, नाम ऐसे ही नहीं बना रखा है यार, बंदे के अंदर दम भी है हर चीज़ के अंदर, जवान से जितना स्ट्रॉन्ग है ना, हाथों पैरों से भी उतना स्ट्रॉन्ग आदमी है यार।
तो यार बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक। और मजे की बात यह मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो इस गाने के ऊपर बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सारी तो पोएट्री है, सारी तो पोएम्स है जो बच्चों की होती है स्कूल्स के अंदर। तो ये दो काम अच्छे हो गए कि बच्चे नाचेंगे भी, गाएंगे भी और पोएम भी याद कर लेंगे। सलमान खान का ना यार मतलब चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अलग है, और सलमान खान ने भी बहुत अच्छा गाया है इसके अंदर, और देवी प्रसाद जी ने भी बहुत सही गाया है इसके अंदर, क्योंकि मैंने तो उनको पहली बार सुना है। और हनी सिंह की बात तो मैं करूँ तो बहुत नेक्स्ट लेवल है। ये बंदा ना हर जोनल में गाने के लिए ना अपने आप को ढाल लेता है। हनी सिंह को ना मतलब ऐसा नहीं है कि हनी सिंह ऐसा कहता है कि अच्छा ये गाना गाना तो मैं इसकी तरह बन जाऊंगा, नहीं, हनी सिंह उस गाने को अपनी तरह बना लेते हैं। तो बहुत बढ़िया रैप करा, बट मुझे लगता है रैप थोड़ा और होना चाहिए था। और बहुत टाइम बाद सलमान खान के साथ हनी सिंह ऑन स्क्रीन दिखे हैं, क्योंकि एक गाना और भी आया था बहुत टाइम पहले, शायद डेवल मूवी का था, यार ना मिले तो मर जावा, उसके अंदर हनी सिंह ने रैप करा था, बट हनी सिंह उसके अंदर आए नहीं थे, क्योंकि उसके पीछे भी एक स्टोरी है। कहते थे कि हनी सिंह उस टाइम पे शूटिंग से बाहर थे तो वो आ नहीं पाए थे, बट सलमान खान ने दोबारा इनको मौका दिया और हनी सिंह ने मौका पकड़ लिया और इस वीडियो में आ गए। तो बहुत मज़ेदार, बहुत एनर्जेटिक, और मतलब मैं कह रहा हूँ जो सुनेगा ना वो नाचेगा ज़रूर। और गाने के जो स्टेप है ना यार लाजवाब, सलमान खान जब भी आता है ना नए स्टेप लेके ही आता है, और मतलब सलमान खान के स्टेप तो भाई कोई भी मैच नहीं कर सकता। और सलमान खान की सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ वो ये कहता है भाई मेरे स्टेप तो लंगड़ा लुल्ला भी कर देगा, तो ये बंदे की ना अच्छा ही है यार। तो आई होप गाइज आपको ये गाना मेरा रिएक्शन 1% भी अच्छा लगा हो, तो बिना किसी कंजूसी के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो ऐसी आपके बताए सारे गानों पर मैं रिएक्शन करूँ, और कुछ भी आप मेरे से बात करना चाह रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फटाफट मैसेज कर दो, क्योंकि वहीं से देख के मैं आपके गानों पर रिएक्शन और आपसे बात करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।